दोस्तों मैं स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है एंजॉय ड्रामा विद मी। दोस्तों अगर आपने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये बात तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि हर हफ्ते हर महीने नेटफ्लिक्स पे सबसे ज्यादा कंटेंट रिलीज होता है। इतना ज्यादा कंटेंट किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलता है, मगर हम कंटेंट लवर्स के लिए क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी मैटर करती है। तो इस अक्टूबर 2022 में नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली बहुत सारी मूवी से आपका टाइम सेव करते हुए और आपके टाइम को डिजर्व करते हुए सबसे बेस्ट मूवीज को आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम टॉप 5 बेस्ट नेटफ्लिक्स की मूवी अक्टूबर 2022 की लिस्ट को आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आपसे सिर्फ एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 की पोजीशन पर एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो कि एक यूनिक एंड मिस्टीरियस स्टोरी दिखाने की कोशिश करती है। 7 अक्टूबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये मूवी लकीएस्ट गर्ल अलाइव। जब भी आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो और आपको लगे कि आप इस दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन है, तो सडनली एक मिस्चीवियस तरीके से आपका पास्ट आपके प्रेजेंट के लाइफ की ऐसी तैसी फेरने को आ जाता है। यही सिचुएशन इस मूवी में हमारे सामने लीड कैरेक्टर के थ्रू रखी गई है। इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल ही यूनिक है, मगर इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा और स्मूथ और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। इसकी मिस्चीवियस स्टोरी एक पॉइंट पर जाके बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल हो जाती है। तो ये कुछ थे इस मूवी के कुछ वीक पॉइंट्स, मगर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पसंद करने वाले फैंस के लिए गुड टू वॉच ये मूवी। हिंदी में आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 की पोजीशन पर ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड हुई एक इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कि हमें एक क्रिमिनल के काफी ही करीब लेके जाती है। 19 अक्टूबर 2022 को नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द स्ट्रेंजर ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री में सबसे बड़ा अंडरकवर ऑपरेशन की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। इस कहानी में पुलिस वाले क्रिमिनल से कोई भी टॉर्चर ना करते हुए बल्कि उसके दोस्त बनके उसका सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब आप वो साइको किलर मूवी पसंद करते हैं, इनके लीड कैरेक्टर अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ में पूरी फिल्म में सस्पेंस बनाए रखते हैं एंड ये फिल्म के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इस फिल्म के ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस फिल्म की बैकबोन बन जाते हैं। लीड कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। एक सस्पेंसफुल इन्वेस्टिगेशन ड्रामा एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 की पोजीशन पर एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो कि एक ट्रू क्राइम स्टोरी प्रेजेंट करती है। 26 अक्टूबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये फिल्म द गुड नर्स। दोस्तों आप अगर एक हॉस्पिटल में हैं एंड आपका केयर टेकर ही मिस्टीरियस किलर आपके लिए बन जाता है, तो दोस्तों ऐसे हालात में तो आपको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। ये क्राइम ड्रामा फिल्म ऐसे ही मिस्टीरियस क्राइम की स्टोरी हमें दिखाती है। तो बिना किसी स्पॉइलर के आपको ये मूवी एंजॉय करनी चाहिए। एक ट्रू क्राइम बुक पे बेस्ड ये मूवी स्टोरी में कुछ खास यूनिक एड नहीं करना इसका एक बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट बन जाता है। लीड कैरेक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस से इनके कैरेक्टर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं एंड साथ ही साथ सिंपल सी स्टोरी और ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाती है। इंटेंस क्राइम ड्रामा फैंस के लिए डेफिनेटली ये मूवी एक बार तो देखनी बनती है। इस मूवी को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 की पोजीशन पर एक स्लो मोशन कॉमेडी फिल्म है जो कि आपको एक ग्रेट एनिमेशन और बेहतरीन कैरेक्टर डिजाइनिंग के दम पर एक अलग ही लेवल पे स्टैंड करती है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वेंडर एंड विन ये फिल्म सिर्फ एनिमेशन स्टाइल ही नहीं बल्कि अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन से भी काफी एंजॉयबल बन जाती है। जब ये दोनों ब्रदर वेंडर और विन अपनी लिविंग वर्ल्ड में आते हैं तब एकदम बवाल मचा देते हैं एंड ये इस फिल्म का बहुत ही फनीएस्ट और एडवेंचरस पार्ट बन जाता है। इस फिल्म के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एनिमेशन स्टाइल और इसका कॉन्सेप्ट इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट बन जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डाले गए हैं तो कहीं कहीं आपको ये फिल्म मेसी फील हो सकती है। तो ये एक छोटा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों ओवरऑल एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ में नेटफ्लिक्स में हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 की पोजीशन पर एक एंटी वॉर फिल्म है। दोस्तों एंटी वॉर फिल्म वो होती है जो वॉर को क्रिटिसाइज करते हुए उसके नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिखाती है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट भी एक ऐसी ही फिल्म है। इसकी स्टोरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्लोजिंग ईयर्स पे सेंटर्ड है और एक जर्मन सोल्जर की नजर से वॉर को दिखाया गया है। एक यंग बॉय हीरो बनने की उम्मीद में वॉर पे चला तो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैटलफील्ड पे जाता है उसको वॉर की
पर्सनालिटी समझ में आती है। सेल्फ डिस्कवरी वाली ये जर्नी एक बेहतरीन तरीके से इस मूवी में हमें दिखाई गई है। अगर आप वॉर वाली फिल्में पसंद करते हैं तो डेफिनेटली मस्ट ट्राई है। दोस्तों, इसके वॉर के सीक्वल्स और इसके कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट नेटफ्लिक्स मूवी जो अक्टूबर 2022 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुकी हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी। एंड दोस्तों, इस तरीके की आप और मूवीज या और लिस्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।